कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के विरोध में मंडी जोनल अस्पताल में भी डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। जोनल अस्पताल मंडी में शनिवार को ओपीडी व ओटी सेवाएं सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इस दौरान डॉक्टर आपातकालीन सेवाएं ही प्रदान करेंगे। अस्पताल के सभी विभागों के डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट व अन्य स्टाफ ने अस्पताल के परिसर में इकट्ठे होकर सामूहिक रोष प्रकट करते हुए महिला ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। क्या बोले डॉक्टर भरत ठाकुर, सुने विस्तार से। मेरा नाम डॉक्टर भरत ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मंडी ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक हमारी रेजिडेंट डॉक्टर जो कि कोलकाता आरजीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंसी कर रही थी, उसके साथ एक गैंग रेप और मर्डर हुआ है। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने IMA की कॉल पे, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी कॉल में आज पूरे देश प्रदेश भर में 24 घंटे OPD सेवाएं बंद रहेंगी। इसमें इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन OPD सेवाएं पूरे देश में और प्रदेश में आज हम लोगों ने स्थगित की हुई है। इस पे हम अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं। ये बहुत ही दयनीय बात है कि एक डॉक्टर के साथ जो कि ड्यूटी पे थी अपने हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ ऐसे गैंग रेप हो रहा है और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो मेरा जनता से और सरकार से ये अनुरोध है कि अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में, अपने ड्यूटी रूम पे सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ है। ये एक सिर्फ महिला डॉक्टर की बात नहीं है, जितने भी देश में, प्रदेश में जितने भी महिला कर्मचारी, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो, जो आम आदमी हो, अगर किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार होता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी मैं बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हम नहीं चाहते कि भविष्य में जो कोलकाता में हुआ वो आगे किसी भी देश के कोने में ऐसा दोहराया जाए। इसलिए हमारी सरकार से और लोगों से ये आग्रह है कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो स्वास्थ्य चिकित्सकों के लिए और जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके लिए ये CPP सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इस दौरान मंडी जोनल अस्पताल में तैनात मनोचिकित्सक ने भी अपनी पीड़ा जाहिर की है। क्या बोली डॉक्टर, सुने। मैं जोनल हॉस्पिटल मंडी में एज ए साइकियाट्रिस्ट पोस्टेड हूँ। हमारा आज जो ये हमने OPD अपनी बहाल नहीं की है, उसका रीज़न अभी डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया ही है। जैसे कि हमारी एक कलीग के साथ बहुत ही निर्मम तरीके से पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई और उसके बाद अभी तक भी जस्टिस प्रिवेल नहीं हुआ है। उसी के आक्रोश के लिए आज हमने ऑल ओवर इंडिया पैन डाउन स्ट्राइक किया। आज के लिए हमारी OPD जो है, सेवाएँ वो बंद हैं। ये सिर्फ एक लड़की, एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये हमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये हमारी हर महिला सहकर्मी की बात है और हम इसके लिए बहुत अंदर से बहुत पीड़ा महसूस कर रहे हैं कि हमें बीइंग डॉक्टर, जो हमें सबसे कंफर्टेबल लगता है हमारा जॉब, वहाँ पे भी हमें बहुत इनसिक्योरिटी के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान अपना इलाज करवाने आए मरीजों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद करने से दूर दराज से आए मरीज अस्पताल से बिना इलाज के लौट गए। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।